वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो अपलिफ्ट में। और आज हम इस वीडियो में एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे जहां पे आपको विंडोज़ 10 में 11 में जब भी आप रीसेट करने जाते हैं अपने पीसी को, तो यहां पे कीप माई फाइल पे आप चूज़ करो चाहे डिलीट एवरीथिंग पे, तो आपको एक एरर पॉपअप होता है यहां पे जो कहता है कुड नॉट फाइंड द रिकवरी ड्राइव। अब ये एरर पॉपअप होने का दो मतलब होता है। नंबर वन, या तो आपकी जो रिकवरी ड्राइव है वो डिसेबल्ड हो रखी है। नंबर टू, या तो आपकी रिकवरी ड्राइव हमेशा के लिए डिलीट हो गई है। अगर नंबर वन रीज़न है, अगर वो डिसेबल्ड है, तो उसको आसानी से हम यहाँ पे इनेबल करके और इस ऑप्शन को यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर इन केस मान लीजिए कि आपकी रिकवरी ड्राइव यहाँ पे डिलीट हो गई है, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आपने विंडोज़ 11 का बैकअप ड्राइव बना के रखा होगा तभी आप इसको यहाँ पे रिकवर कर पाएंगे, और एल्स यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करिए, सजेशन में चूज़ करिए डिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखिए, डिस्क मैनेजमेंट में आपको अगर रिकवरी ड्राइव दिख रही है, इसका मतलब है कि वो आप डिलीट नहीं किया है आपने, और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं से डिसेबल हो रखी है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए आपको क्या करना है, अपने विंडोज़ सर्च पर क्लिक करिए, CMD टाइप कराइए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ कराइए, और यहाँ पर पहली कमांड आपको टाइप करनी है reagent.c/info, एंटर कराइए। और जैसे ही एंटर कराएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे जो विंडोज़ रिकवरी ड्राइव है वो यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। तो अब इसको इनेबल करने के लिए दोबारा से आपको टाइप करना है reagent.c/enable, एंटर कराइए, कमांड सक्सीडेड हो जाएगी यहाँ पे। और अब अगर हम यहाँ पे चेक करें दोबारा से reagent.c/info, तो देखिए यहाँ पे हमें ये अब इनेबल दिखा रहा है, और इवन यहाँ पे इसका पाथ भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब अगर वापस आप जाके अपने विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाते हैं विंडोज़ अपडेट में और रीसेट दिस पीसी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे कीप माय फाइल पे चेक करके या किसी भी ऑप्शन पे, तो अब यहाँ पे आपको वो एरर मैसेज नहीं आएगा और आसानी से आप जो है यहाँ पे अपने सिस्टम को यहाँ पे रीसेट कर पाएंगे, राइट। तो ये गाइस एक बेस्ट तरीका था, आसान तरीका था, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर आपके यहाँ पे विंडोज़ रिकवरी ड्राइव डिलीट हो गई है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर आपने विंडोज़ 11 का बैकअप बनाया होगा, एक USB बनाई होगी, तो उसी USB को आप इंसर्ट करा के इस रिकवरी को यहाँ पे वापस ला सकते हैं, राइट। अब इसको अगर इनकेस आपने इसको नहीं बनाया है तो अब से भी आप बना लेना, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, और होपफुली आपको यहाँ से सोल्यूशन मिला होगा। अगर कोई सवाल होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।